हेलो साथियों, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तीन वस्तु एक्स वाई और जेड इतना रुपये में बेचता। एक व्यक्ति तीन वस्तु एक्स वाई और जेड को इतना रुपये में बेचता ईच। ए मैन सेल थ्री आर्टिकल एक्स वाई जेड फोर रुपीज इतना रुपये ईच। ही सेल एक्स एट 30% लॉस बाई एट इतना परसेंट प्रॉफिट एंड देर इज नो प्रॉफिट और लॉस इन होल ट्रांजेक्शन। तो फाइंड द सी पी ऑफ आर्टिकल जेड। तो 30% पहला को क्या करा, 30% की हानि पर बेचा। तो 30% करने का मतलब है 30% 3/10 यानी -10 हो जाएगा। आगे 36.66% करने का मतलब है 4/11 60% यानी दूसरा को 36.36% के लाभ पर बेचा। तो 4/11 तो पहला का क्रय मूल 10 था तो बेचा कितना में, 7 में। दूसरा का 11 क्रय मूल था तो बेचा कितना में, 15 में। तो पहले ओवरऑल नो प्रॉफिट और नो गेन हो रहा है, तो यहाँ से क्या करते हैं, क्रय मूल्य के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वस्तुओं का जो भी क्रय मूल्य को बराबर करते हैं, तो यहाँ 10:7 था 11:15 था, इसको 15 से गुना किया, इसको 7 से, तो 15 × 7 = 75 से 11 × 7 = 77 तो कितना आ गया। यहाँ से देखिए यहाँ से हो गया क्रय मूल्य कितना, 150 और 150 इधर 15 × 7 = 75 से यानी 45 रुपये के यहाँ लॉस हो रहा है। दूसरा में क्या, 11 × 7 = 77 और 15 × 7 = 75 से यानी यहाँ पर 28 रुपये का पॉजिटिव हो रहा है, 28 रुपये के लाभ हो रहा है। तो इस दोनों का अंतर करते हैं तो टोटल 15 रुपये का लाभ। देखिए हाँ, तो ऐसे समझिए, देखिए शुरू में कितना हुआ, -45 रुपये का लॉस हुआ, दूसरा में 28 रुपये का लॉस हुआ और टोटल मेरा विक्रय मूल्य कितना हुआ, 105 रुपया। तो विक्रय मूल्य 105 रुपया और 17 रुपये का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 88 रुपया होगा। ये वाला निकालें तो 88 + 7 = 15 = 88 रुपया। यहाँ से फॉर ओवरऑल नो प्रॉफिट और नो लॉस परसेंट यानी ये दोनों का वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए। तो 45 - 45 + 28 = थर्ड को उतने में बेचना चाहिए। तो जेड कितना आ गया, 17। तो जेड 17 हो गया तो यहाँ निकल गया SP और इसका वैल्यू दिया 2500 क्वेश्चन में। तो पूछ रहा है कि जेड वस्तुओं का क्रय मूल्य, जेड वस्तुओं का क्रय मूल्य 88 रुपये, तो 88 यूनिट का वैल्यू निकालें तो क्या 112 रुपया। आगे अनिल ने कुल इतना रुपए के मूल्य पर दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। इतना कुल इतना रुपए के अनिल व टू आर्टिकल इतना रुपया, टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज इतना रुपया। ही सोल्ड आर्टिकल ए एट 15% प्रॉफिट एंड द आर्टिकल बी एट 10% लॉस। इन द होल ट्रांजेक्शन ही हैड नो प्रॉफिट नो लॉस। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। ए का सेलिंग प्राइस बोल रहा था, देखिए 15% के लाभ पर पहला को बेचा, तो 15% का 5 × 15 = 25 यानी 20 का सामान को 23 में बेचा पहले के लिए। दूसरा पर्सन 10% की हानि पर यानी 10 का सामान 9 में बेचा। तो बोल रहा है कि देर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस होना चाहिए। तो दोनों वस्तुओं को क्रय मूल्य, प्रॉफिट और लॉस दिखा रहा है। तो यहाँ 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर।
और दूसरा में क्या हो रहा है कि 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो इसको क्या किए। और नील ने कुल इतना रुपये के 2 वस्तुएं खरीदी, दोनों का क्रय मूल्य अलग हुआ। उसने ए को 15% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में ना कोई लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो देखिए साथियों, कोई लाभ या हानि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ यदि 10 लेते हैं, या 10 यूनिट यदि लेते हैं, ये 10 यूनिट क्रय मूल्य हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 9 यूनिट। तो यहाँ लाभ 1 यूनिट का हो रहा है, -1 यूनिट, लेकिन यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 यूनिट का। तो बोल रहा वास्तविक में कोई लाभ या हानि नहीं है। तो इसका 3 यानी मतलब कि ये भी 3 यूनिट लाभ हुआ होगा, 3 यूनिट लाभ हुआ होगा, तब ना 3 यूनिट लॉस हानि हुआ होगा, तो ना 3 यूनिट लाभ हुआ, 3 यूनिट हानि हुआ, दोनों मिलकर कैंसिल होकर 0 हो गया। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 10 या 30 हो गया, इतना हो गया। अब दिया कि टोटल क्रय मूल्य का बस दाम दिया, तो टोटल क्रय मूल्य कितना, यहाँ से 30 यूनिट प्लस 20 यूनिट, 50 यूनिट का वैल्यू इतना दिया, 1 यूनिट का वैल्यू इतना दिया। तो एक का विक्रय मूल्य 23 यूनिट, तो 23 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया। ये वाला समझना था खाली, नो लॉस नो हानि, मतलब 3 यूनिट यहाँ भी हानि होगा। आगे शॉपकीपर सेल ए प्रोडक्ट एट सम लॉस। शॉपकीपर क्या किया, सेल किया, एक दुकानदार कुछ नुकसान पर एक उत्पाद बेचते, यदि वह उत्पाद के विक्रय में 5% की कमी करते हैं, रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाई 5%, हिज लॉस इंक्रीज बाई 4%, एट व्हाट लॉस परसेंट ही सेल हिज प्रोडक्ट। कह रहा है एक दुकानदार कुछ नुकसान पर एक उत्पाद को बेचता है, ठीक है, कुछ नुकसान पर कोई उत्पाद को बेचता, यदि वह उत्पाद के बिक्रय मूल्य में, उत्पाद के बिक्रय मूल्य में कोई दुकानदार कुछ कुछ एक दुकानदार कुछ नुकसान पर एक उत्पाद को बेचता है, 100 रुपये का सामान था, तो 100 रुपये में बेचा कोई वस्तु को, ठीक है, कुछ नुकसान पर वस्तु को बेचा, यदि वह उत्पाद के बिक्रय मूल्य 5% की कमी करता, 5% की कमी करता तो कितना होता, 95 रुपये में था, तो उसका नुकसान 4% बढ़ जाता। तो उसका नुकसान जो पहले जो नुकसान था तो पहले जो नुकसान था उसका 4% बढ़ जाता। तो पहले यदि नुकसान कितना हो रहा था, यहाँ से 120 लेते हैं तो नुकसान कितना हो गया, 20/120 × 100, 100 से 120 लिए, तो पहले क्या है 5% की कमी करता है एसपी में, तो उसका नुकसान कितना हो जाता है, 4% बढ़ जाता है। तो एसपी में 5% की कमी किया, मतलब एसपी में 5% की कमी किया एचपी में, अब बराबर नुकसान 4% हो गया। तो यहाँ से एचपी और लॉस का रेशियो आ गया, तो यहाँ क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो यहाँ से लॉस परसेंट निकाल लेंगे। नहीं तो दूसरा तरीका वही है, क्रय मूल्य मान लिए जाए हम एक दुकानदार कुछ नुकसान पर एक सामान को बेचता है, 90 रुपये में कोई सामान बेचा, ये अभी 100 रुपये में कोई सामान बेचा, कुछ नुकसान पर सामान बेचता है, मान लिया 100 सीपी का 10%, 90 रुपये में सामान बेचता है, ठीक है, न कुछ नुकसान पर सामान बेचता, 100 रुपये का था तो 100 रुपये का 10%, 10% के नुकसान पर बेचा। यदि वह उत्पादन के मूल्य में, वह उत्पाद के बिक्री मूल्य 5% की कमी करता, 90 का 5% यानी 95 में बेचता, 5 से 5 × 10, 595, 99, 81, 9, 8, 17 यानी 2,
8 दुनी 16, मतलब तो कितना लॉस होता, इतना का लॉस होता, ये याद रखिएगा बस। ऐसे ने तो फिर बना सकते थे ऐसे भी कि 100 रुपया था उसको कुछ, मतलब कि 100 रुपये एक तो कितना, कुछ नुकसान पर उत्पाद को बेचता, कुछ नुकसान पर यदि वह उत्पाद की विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य में कमी कर दिया, ये एसपी था, 5% की कमी किया, कितना कमी, 5% की कमी, तो उसका नुकसान 4% बढ़ जाता है, तो नुकसान 4% बढ़ जाता है, तो पहले तो कितना हो गया एक्स, पहले यदि नुकसान 4% बढ़ जाता है तो 104% का वैल्यू इतना दिया, 100% का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 100% का वैल्यू निकल जाएगा, 100 कितना हो गया, या ऐसे ही बनाइए, छोड़िए इसको, इसी तरह बनाइएगा। एसपी को मतलब क्रय मूल्य को 5% किया तो लॉस में 4% का इंक्रीजमेंट हुआ। आगे एक फ्रूट सेलर भाई, 95वां क्वेश्चन है, ए फ्रूट सेलर बाई एक्स गवावा 4 बाई रुपीज, एक्स गवावा लिया कितना में, तो 2 रुपये में, एक्स गवावा लिया 2 रुपये में, एंड सेल बाई गवावा 4x रुपये, यहाँ पर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन, तब हुए उसे क्या हुआ, तो एक्स गवावा लिया कितना में, 2 रुपये में, अब बाई गवावा को बेचा 1 रुपये में, एक्स गवावा लिया 2 रुपये में, बाई गवा एक्स गवावा लिया 2 रुपये में, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन, तो इसको निकालने का तरीका, एक्स गवावा कितना में लिया, गवावा हुआ रुपया हुआ 2 रुपये में, अब बाई गवावा 1 रुपये में बेचा, और दो बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू ग्रेटर है, तो ऐसे कीजिएगा दोनों का अपोजिट वाला का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी बाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा, मैं एक्स वाला दे रहा है कि बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट कितना, प्रॉफिट इंटू 100, अब बटा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बायर स्क्वायर, ये वाला बायर स्क्वायर, प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी, तो एस पी क्या हो जाएगा, एस पी यहाँ पर एक्स क्या ग्रेटर है, एक्स क्या ग्रेटर है, तो ये वाला बनाने का तरीका है कि पहले गवावा को रखेंगे फिर रुपीस को रखेंगे, गवावा एक्स है, गवावा एक्स है तो बाई है, फिर बाई गवावा को एक्स में बेचा, दोनों को अथी करेंगे, दोनों को क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो प्रॉफिट हुआ, एक्स का वैल्यू ग्रेटर है तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू ग्रेटर है इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, गेन गेन बराबर, गेन बराबर एस पी माइनस ए पी इंटू गेन परसेंट इंटू 100, एक्स का वैल्यू क्या है, बड़ा है। आगे क्वेश्चन इसी पर है, पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट, आर्टिकल कुछ 23 रुपया फॉर 20, आर्टिकल इधर लिखें, इधर आर्टिकल लिखें, इधर पैसा लिखें, 23 रुपये में कितना लिया, 20 आर्टिकल, ही सोल्ड 20 फॉर 23 आर्टिकल, तो यहाँ पर क्या करा, 20 फॉर 23 आर्टिकल, 23 में 20 लिया, देखिए यहाँ पर सोचिए एक्स कौन था, एक्स ऊपर वाला बड़ा था, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ऐसे, तो 2 दुनी 400, 423 के स्क्वायर 529, प्रॉफिट क्या हुआ, 129 का प्रॉफिट हुआ, 129 का, ये दिखाता है क्रय मूल्य को, ये क्या दिखाता है, क्रय मूल्य को, ये विक्रय मूल्य को, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, वहीं पर इसी तरह यहाँ पर ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 400 529 में था, 129 रुपये का फ़ायदा हुआ, कितना में, 400 में 200। आगे ए पर्सन बाई सम आर्टिकल एट रेट 15 रुपये में, आर्टिकल लिखेंगे और रुपीस लिखेंगे, कितना लिया, 15 आर्टिकल कितना में, 13 रुपये में, एंड सेल देम 18 फॉर 17, 18 को 17 रुपये, इफ़ यू मेड ए प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन,
if he made. A person buys some article at a rate of 15 for 13 and sell all the article at a rate of 18 for 17 if he made a profit of 14.7% in the whole transaction. If he made a profit of एक आदमी ने कुछ वस्तु 13 में 15 की दर से खरीदा था तो उसने सभी वस्तुओं को 70 रुपये में 18 की दर से बेच दिया। ऊपर में क्या था कि एक व्यक्ति 20 में 30 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदा और उन्होंने 30 रुपये 23 में 20 के हिसाब से बेचा था तो ये तो दूसरा था। ये क्या एक आदमी ने कुछ वस्तु 13 में 15 की दर से खरीदा उसने सभी वस्तुओं को 70 रुपये में 18 की दर से बेच दिया। यदि कुल मिलाकर उसे इतना रुपये का लाभ हुआ तो कुल खरीदे गए वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल खरीदे गए वस्तुओं की संख्या इतना का लाभ हुआ। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं तो टोटल 90 आर्टिकल को सेल किया तो इतना का प्रॉफिट हुआ तो कुल लाभ और कहने का मतलब कि देखिए देखिए 15 आर्टिकल था उसको 13 रुपये में बेचें 18 आर्टिकल 70 रुपये में। आप दोनों को क्रैमूल को समान करते हैं तो यहाँ 6 से करते हैं यहाँ 5 से 15 6 90 13 6 78 18 5 90 17 5 85 तो 90 आर्टिकल में प्रॉफिट कितना हुआ। 90 आर्टिकल में एक क्रय मूल्य इतना बिक्रय मूल्य था ये था 13 6 78 17 5 85 7 रुपये का। 90 आर्टिकल में 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ। टोटल बोल रहा है कि 14.7 का प्रॉफिट होगा तो कितने आर्टिकल में 189 आर्टिकल में कितने आर्टिकल में 189 आर्टिकल इसका 2.1 गुना तो इसका भी 2.1 गुना। अल्लाह कुछ फल को एक 100 रुपये में 11 की दर से 100 रुपये में 100 रुपये में 11 की दर से फ्रूट लिखें इधर फ्रूट लिखें इधर रुपीस लिखें तो 11 की दर से 100 रुपये में और 100 रुपये में 9 की दर से बेचें। यदि यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता था तो पूरे दिन में लेन देन में सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचते हैं 100 रुपये में 10 की दर से बेचते हैं यानी 10 रुपये पर फुट के हिसाब से बेचते हैं बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ। तो देखिए 11 रुपये में 100 की दर से खरीदा तो यहाँ भी फिर से क्रय मूल्य को बराबर करेंगे लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्रय मूल्य बराबर नहीं किए थे। 23 वस्तुओं को खरीदा 20 रुपये में एंड सोल्ड देम 20 फॉर 23 तो यहाँ दूसरा कंसेप्ट था यहाँ दूसरा कंसेप्ट हो गया। यहाँ क्या कि 100 रुपये में 10 की बेचता तो देखिए 10 का सामान 10 रुपये 10 को फ्रूट था 100 रुपये में बेचा तो यहाँ बिक्रय मूल्य को समान किया 11.99 क्रय मूल्य यहाँ पर फ्रूट को सेम किए 11.99 900 यहाँ से 11.99 100 रुपये में कितना 100 रुपये में 11 की दर से 100 रुपये में खरीदता और 9 की दर से 100 रुपये की दर से खरीदता सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचता 100 रुपये में 10 की दर से बेचता तो एक फल का एसपी कितना निकल जाएगा निकालेंगे यहाँ से था तो यहाँ से पहले करते हैं इसको एसपी को क्रय मूल्य को फ्रूट को बराबर करते हैं तो इन 9 से गुना किए यहाँ 11 से 11.99 900 फल 1100 तो कितना आ गया 9 9 18 9 18 98 का क्रय मूल्य कितना आया 2000 198 वस्तुओं को क्रय मूल्य कितना आया इन दोनों का जोड़ें 198 9 9 18
918 के 8 918 19 198 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 2000। अब बोल रहा है कि 10 रुपये के हिसाब से यदि बेचे, 100 रुपये में 10 की दर से बेचे, 100 रुपये में 10 की दर से को ये 100 रुपये में, यानी एक फ्रूट का दाम 10 रुपया, 100 रुपये में 10 को बेचेगा तो एक का दाम 10 रुपये पर फ्रूट है और टोटल कितना है 1998 को, तो 980 रुपये में बेचा होगा तो लॉस कितना हुआ 20%, 20 का तो लॉस परसेंट कितना हुआ, लॉस इंटू 100 बट्टा सीपी कितना था क्रैमुल 2000, यही 1% का लॉस हुआ। आगे एक दुकानदार ने कुछ पेन 60 में 20 की दर से था, उतने ही पेन 40 रुपये में 30 की दर से खरीदा। इसके बाद उसे पता चला कि उसने सिर्फ 60% पेन ही खरीदा, शेष पेन को वह 75 रुपये 25 की दर से खरीदा। यदि उसने सारे पेन को 35 रुपये 12 की दर से बेच दिया तो लाभ आने, तो देखिए एक दुकानदार 60 रुपये में 20 की दर से खरीदा तो एक पेन का दाम कितना था 3 रुपया था, और 40 रुपये में और आता था उतने ही पेन 40 रुपये में उतने ही पेन 40 रुपये में 30 की दर से खरीदा, उतने ही पेन 40 रुपये में 30 की दर से खरीदा, 24 रुपये में 30 की दर से खरीदा, 30 रुपये 40 पेन खरीदा 30 पेन खरीदा 40 रुपये में। इसके बाद उसे पता चला कि उसने सिर्फ 40-60% ही पेन खरीदा था, शेष पेन को 75 रुपये में तो एक पेन का दाम 75/25 3 रुपये, यहाँ से 3 रुपये निकला। उसने सारे पेन को 35 में 12 की दर से बेचा, तो यहाँ देखिए पेन शुरू में क्या था, पेन 3 रुपये में, 1 रुपये का 3 पेन था तो 3 पेन 9 रुपये का हो जाएगा, फिर 1 रुपये का 3 पेन, 1 रुपये का 3 पेन। दूसरा में क्या था कि 40 रुपये में 30 की दर से खरीदा, तो एक पेन का इतना है। यहाँ पर देखिए पहले में क्या था कि शेष पेन, इसको बनाया गया इसे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एक दुकानदार ने कुछ पेन 60 रुपये में 20 की दर से खरीदा था, उतने ही पेन 40 रुपये में 30 की दर से खरीदा, 40 रुपये में 30 की दर से खरीदा। इसके बाद उसे पता चला कि उसने सिर्फ 60% ही पेन खरीदा, शेष पेन को वह 75 रुपये में 40% को मतलब 75 रुपये 25 की दर से खरीदता। और सारे से पेन को 35 रुपये 12 की दर से बेच देता था, 35 रुपये में कितना बेचता, 12 की दर से बेचता। कौन सा क्वेश्चन था 100 नंबर में, यहाँ फंस रहे हैं कि कैसे होगा। एक दुकानदार ने कुछ पेन 60 रुपये में 20 की दर से गिना, एक पेन का दाम कितना हो गया 3 रुपया, उतने ही पेन 40 रुपये में 30 की दर से करना, उतने ही पेन मान एक पेन यहाँ खरीदा तो 40 रुपये में यहाँ पर 30 की दर से खरीदा होगा, 3 पेन खरीदा होगा मान लिया जाए। आप सोचें मान लीजिए 3 पेन खरीदा होगा, एक पेन उतने ही पेन यानी एक उतने ही पेन 40 रुपये में 30 की दर्जन के खरीदा, तो 3 पेन का दाम 9 रुपये हो गया, 3 पेन का दाम 9 रुपया। देखिए 3 पेन का दाम इसका 9 रुपया और उसके हिसाब से 3 पेन का दाम 4 रुपया, समझे। यहाँ पर यहाँ दिया ना 40 रुपये में 30 की दर से खरीदा, मतलब कि जैसे ऐसे सोचिए
साठ रुपये में 20 की दर से ख़रीदा होगा तो एक एक पेन का दाम 3 रुपया होगा, ठीक है। तो मान लिया जाता है कि टोटल 3 पेन ख़रीदा उसने। और आगे देखिए बोल रहा है 40 रुपये में 30 की दर से, तो एक पेन का दाम 4/3 रुपया, तो मान लिया जाए कि 3 पेन ख़रीदा उसने, एक पेन का दाम कितना हो गया 4/3 रुपया। दूसरा में बनी इस यहाँ से निकालना है 40/30, तो एक पेन का दाम 4/3 रुपया। तो मान लीजिए 3 पेन खरीदा होगा, 3 पेन खरीदा होगा तो दाम कितना लगा होगा 4 रुपया, और ये भी 3 पेन खरीदा होगा तो दाम कितना लगा होगा 9 रुपया लगा होगा, ठीक है। इसलिए माने अब तो कि टोटल पेन इधर 6 रुपया, उधर इधर टोटल पेन इधर कितना रुपया 13 रुपया, यानी 60% पेन, 60% करने का मतलब 6 पेन 13 रुपये में खरीदा। अब बोला 40%, उसके बाद बोला 75, उसने शेष पेन को वह और 35 रुपये में 12 की दर से बेचता, उसने सारे पेन को चालीस परसेंट करने का मतलब दुनी 40 शेष पेन को। एक दुकानदार कुछ पेन 60 रुपये में 20 की दर से खरीदा, और उतने ही पेन जितना पेन यहाँ खरीदा था उतने ही पेन, देखिए दोनों पेन बराबर है, 40 में 30 की दर से। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसने सिर्फ 60% ही पेन, यानी 60% का वैल्यू कितना 30, 30 से 13 हुआ है 60%, तो 40% कितना हो जाएगा 60% का वैल्यू कितना दिया, 60% का वैल्यू 6 पेन खरीदा, तो 1% का वैल्यू 6/7, तो 40% की वैल्यू 4 पेन और खरीदेगा कितने के दर में, 4 पेन खरीदेगा और, तो देखिए 4 पेन और खरीदेगा क्योंकि 60% ही वे पेन खरीदा है, तो 4 पेन और खरीदेगा, तो एक पेन का दाम 3 रुपया है, तो अभी कितना हो जाएगा टोटल दाम 12 रुपया, यानी 60% वाला पेन 6 पेन का दाम 13 रुपया, 40% वाला के 4 पेन का दाम 12 रुपया हो गया। आप बोल रहे 35 रुपये में बेचा तो सीपी कितना हो गया, अब यहाँ देखिए सीपी 35 में 12 की दर से बेचा, 35 में 12 की दर से बेचा, 12 यहाँ पर क्या लिखते थे आर्टिकल लिखते थे, यहाँ आर्टिकल लिखते थे ना, यहाँ पर आर्टिकल याद रखीजिए कि पहले वाला क्वेश्चन में क्या, यहाँ पर देखिए याद कीजिए, यहाँ पर आर्टिकल लिखते थे, यहाँ रुपया लिखते थे, ठीक उसी तरह यहाँ यहाँ आर्टिकल लिखा होगा, यहाँ रुपया लिखा होगा। तो देखिए 10 आर्टिकल कितना में खरीदे 25 रुपये में, दोनों का 25 रुपये में, बेच रहा कितना में 12 आर्टिकल कितना बेच रहा 35 रुपये में, आर्टिकल लिखते थे इधर पैसा लिखते थे, तो 10 आर्टिकल कितना है 25 रुपये में ख़रीदा, फिर बेचा कितना में सीपी हुआ, एसपी कितना हुआ 12 आर्टिकल 35 रुपये में बेचा, तो उसका रिवर्स करते थे ऐसे, तो 35 × 12 300, नीचे 350 रुपया, ये क्रैमोल दिखाता था, ये एसपी दिखाता था, प्रॉफिट कितना हुआ 50 रुपये का, नीचे से ऊपर जाते थे तो नीचे क्रैमोल ये वाला क्रैमोल और नीचे वाला विक्रैमोल दिखाता। आगे दो घड़ियाँ का क्रैमूल का अनुपात, क्रैमूल का अनुपात इतना दिया, पहले घड़ी का क्रैमूल को 10%, 10% करने का मतलब कि 16 का 10% 1.7 यानी 17.6, और दूसरे घड़ी को इतना रुपये बढ़ाया जाता है, इतना रुपये बढ़ाया। अब दोनों घड़ियों का मूल का अनुपात, मूल का अनुपात कितना 11:20 हो गया, तो 11:20 आया, तो कितना गुना 176 लाने के लिए, तो 1.6 होना था, इसको भी 1.6 गुना करेंगे तो 32, तो 32 आया, यानी दोनों का अंतर कितना है 9 यूनिट का वैल्यू 743 यानी 53 गुना, तो 23 यूनिट वैल्यू का, यानी दूसरी घड़ी का तो प्रारंभ में दूसरी घड़ी का क्या मूल था, तो दूसरी घड़ी 23 यूनिट का है, तो 23 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए कितना इक्वेट किया, 16 कलम का दाम था, फिर 23 यूनिट उसका क्रय मूल था, फिर उसको 10% बढ़ाए, 16 का 10% 1.6 यानी 17.6 हुआ, फिर बोल रहा है कि उसका दिया हुआ है दोनों का अनुपात दिया लास्ट में, तो ये फिर उसके बाद क्या दिया कि दोनों घड़ियों के मूल्यों का अनुपात इतना रुपया आ जाता है, कितना गुना हुआ यानी 11:60 का 1.6 गुना, तो ये भी 1.6 गुना यानी 32 होगा, तो ये दोनों के बीच अंतर कितना होगा 8 का, कितना का
नौ नाव का अंतर वही दे रहा है इतना, तो इसको आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति 15 मेज, 15 मेज, एक व्यक्ति क्या 15 मेज, 26 कुर्सियाँ कितना में खरीदता है? 2570, 12% के लाभ पर मेज को बेचता। 15 मेज खरीदा और 26 कुर्सियाँ खरीदा 25,700 में, ठीक है। अब 12% के लाभ पर मेज को बेचता, 19% के लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। सभी मेज और कुर्सियों को बेचने पर उसे कुल इतना रुपये का लाभ होता, तो 5 कुर्सी और 4 मेज का क्रयमूल क्या होगा? 5 कुर्सी और 4 मेज का क्रयमूल पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, 5 मेज था, 26 कुर्सी, पहला को 12% के लाभ पर बेचा, दूसरा को कितना बोला? 19%, यानी लिखेंगे इसको कितना है, 12 + 7%, 12% + 7%, तो 12% तो दोनों में कॉमन है, तो यानी बचा कितना, 25,700 को 12% निकाल लेते हैं तो कितना होता है, 12% निकाले हैं, देखिए 2500 का 12% निकालें, क्योंकि 12% तो ये जो लाभ हो रहा है, मतलब कि एक व्यक्ति इतना हो, इतना रुपये में 25,700 रुपये में खरीदता है, एक व्यक्ति 15 मेज और 26 कुर्सी इतना में खरीदता है, वह 15% के लाभ पर मेज को बेचता है, 19% के लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। तो देखिए 15% के लाभ पर बेचा, यानी 25,700 का 12% निकालें तो कितना आया, 384 रुपया। तो टोटल टोटल कितना हुआ, 2570 का 12% निकालें तो कितना है टोटल, और टोटल उसने सभी मेजर कुर्सियों को बेचने पर इतना परसेंट का लाभ कमा रहा, टोटल लाभ इतना कमा रहा, और 2500 को 12% इस पर जो 12% का लाभ निकालें जो हमारा इतना आ रहा, तो ये टोटल लाभ और इतना लाभ इसको अंतर किए तो 7% का जो एक्स्ट्रा कुर्सी का लाभ आ रहा ये निकल के आया ऑन एक्स्ट्रा, और यही 7% का वैल्यू दिया 1274, तो 1% का वैल्यू इतना, तो 100% मतलब सीपी ऑफ चेयर, 100% मतलब सीपी ऑफ चेयर, चेयर का यहाँ ज़्यादा था तो सीपी ऑफ चेयर निकल जाएगा, तो सीपी ऑफ टेबल कितना निकल जाएगा, यहाँ से निकाल देंगे टोटल का दिया होता सीपी ऑफ टेबल इतना, तो एक एक चेयर का दाम कितना होगा, 26 कुर्सियाँ हैं तो 26 और एक टेबल का दाम इतना, तो 5 कुर्सी और 4 टेबल का निकल जाएगा दाम, समझ गए होंगे आप। जैसे 5 टेबल था और 26 कुर्सियाँ था, तो देखिए पहला को बोल रहा है कि इतना में खरीदा 12% के लाभ पर बेचा, दूसरा को कितना बेचा, 19%, 12% + 7% है, तो 12% तो दोनों में लाभ होगा, यानी 25,700 का 12% निकाल लिए, इतना लाभ हुआ, जितना लाभ आया इस टोटल लाभ में से इतना लाभ घटाते हैं 384 रुपया, तो बचा हुआ 7% का लाभ निकलेगा, 7% लाभ दिया है तो 1% निकालेगा, तो 100% मतलब सीपी ऑफ चेयर निकल जाएगा, फिर उसी तरह सीपी ऑफ टेबल निकाल लेंगे। आगे एक दुकानदार के पास 2600 टॉफियाँ, उनमें से 910 टॉफी 9% के लाभ पर, 650 टॉफियाँ 15.6% के लाभ पर, 780 टॉफियाँ 14.6% के लाभ, शेष इतना परसेंट के लाभ पर, इससे कुल लाभ इतना रुपया होता, फिर प्रत्येक टॉफी की कीमत पता लगाइए। तो देखिए डिवीजन डिवाइड ऑल बाय 130, देखिए वो दुकानदार के पास खुद कितना है, 2600 टॉफियाँ हैं, तो 910 टॉफी को 9.6 9 9.6 के लाभ पर बेचता, और 605 टॉफियों को 15.6% लाभ पर, और 780 टॉफियों को 14.6% के लाभ पर, और 6 टॉफी को इतना के लाभ, यदि कुल इतना रुपये का लाभ होता तो फिर प्रत्येक टॉफी की कीमत क्या है? अच्छा बोल रहा है कि इसीलिए डिवाइड करने के लिए कर रहा है 910 को 650 टॉफी को, कि टोटल जो 226 है, मान लेंगे जो टोटल 226 टॉफी है ना, 26 उसको हम मान लेते हैं शॉर्टकट फॉर्म,
2600 है ना, उसको 130 से डिवाइड करते हैं तो 13 दून 20 ट्रॉफी टोटल हो गया। तो इधर भी डिवाइड करते हैं तो 910 को 13 से डिवाइड करें तो 13 से 91, 910 को 130 से डिवाइड, 13 60 ट्रॉफी हुआ होगा। 13 5 5 ट्रॉफी और 13 6 8 13 यानी 7 5 12 12 6 18, तो लास्ट में 2 ट्रॉफी बचा होगा, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए डिवाइड कर दिए। तो टोटल ट्रॉफी 20 ट्रॉफी होगा, इसमें से 7 वो 5 वो 6 वो 2 वो, पहले को 9% के लाभ पर बेचा, दूसरे को कितना बेचा 15.6% के लाभ पर, तीसरे को 14.6 के लॉस पर, तो चौथे को 13.6%। तो पहले को अलग अलग निकालनी है, मतलब कि सिंपलेस्ट बनाने के लिए ऐसा कार किए हैं। 2600 टोटल ट्रॉफी था ना, इसको टोटल में ही डिवाइड किए 13 से, तो 13 130 है, 13 दून 26, मतलब टोटल 20 ट्रॉफी हो गया। तो 910 को भी 13 से डिवाइड करेंगे, फिर 665 को 13 से डिवाइड करेंगे, फिर 780 को 13 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए, अब देखते हैं इस ट्रॉफी पर 13.6% का लाभ होता है। यदि कुल लाभ दिया इतना, तो कुल लाभ ने कितना दिया, तो कुल लाभ दिया है तो हम चारों का इफेक्टिव रेशियो निकालने जानते हैं, नेट इफेक्टिव। और नेट इफेक्टिव निकालना जानते हैं ना चारों के, ये 4:5:6:2 कैसे करें थे, याद है कुछ वहाँ पर? चार ये जो टोटल है इसमें से डिवाइड करना है, 7 5 12 6 18 2 20, टोटल लाभ मतलब कि सिक्स ट्रॉफी पे इतना लाभ बेचे, कुल कितना रुपए लाभ हुआ तो इतना रुपए का लाभ हुआ, टोटल लाभ बता रहे थे, इसका नेट इफेक्टिव निकालते हैं। तो नेट इफेक्टिव निकालिएगा, फिर नेट इफेक्टिव निकालने का टोटल प्रॉफिट 13% का था, इसी का वैल्यू इतना दिया है, तो 1% का वैल्यू निकालें, 100% का मतलब कि टोटल का क्रैम ऑन निकल गया। तो प्राइस ऑफ वन ट्रॉफी कितना हो जाएगा, टोटल इतना है तो 2600 रुपया था टोटल ट्रॉफी, 2600 था टोटल, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 12 रुपया ट्रॉफी, प्रत्येक ट्रॉफी का दाम आ गया। तो इसको निकाल, ये वाला को खाली निकालना, सॉल्व करना है, पीछे वाला मैं बताया था आपको। कि यहाँ पर क्या है, संख्या है, ट्रॉफी है, और नीचे प्रतिशत है, ट्रॉफी है प्रतिशत है, ट्रॉफी है प्रतिशत है। तो ऐसे सोचिए कि 2% तो सब में रहेगा, 2% तो सब में जाएगा, 2% 2% 2%। तो इसको लिखेंगे कितना, 2+5 2+3 फिर 2+4 1, 6 5 3 5 45 3 48, यहाँ कितना आ जाएगा 15.6। इसका इफेक्टिव निकाल लीजिएगा, नेट आ जाएगा 13% का इफेक्टिव निकलेगा। ऐसे कीजिए ना, 6 का 42, सच का वैल्यू 963 4 67, अल्लाह कितना हो जाएगा, 6 5 30 6 5 30 अब 15 5 75 76 77 78, दूसरा 6 6 36 14 6 84 84 87 87, 14 12 26 27, 14 8 8 2 10 0 8 में 1 7 7 14 8 22 22 7 29, 30 0 8 मेरा
तीन, 8 2 10 10 17 17 36 27 26 268। इसको कितना में 20 से डिवाइड करते हैं तो 13% ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। वही निकालें, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का होल कर देंगे टोटल प्रोडक्ट से, तो टोटल 13% का प्रॉफिट आया। यही 13% का प्रॉफिट दिया आंसर में, यहाँ से हम 1% का निकाल लिए हैं, फिर 100% का टोटल मूल निकल गया। यही वाला पढ़ाएंगे, ये वाला गुना बटा टोटल प्रोडक्ट प्लस करके आगे 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय के में बोल के CP बटा SP बराबर 4/CP 4 है तो SP 5 है, लाभ कितना हो 5%। जब 12 वस्तुओं को बट्टा पर बट्टा 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर, 12 वस्तुओं पर डिस्काउंट 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत और बट्टा में अंतर ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत और बट्टा में, तो लाभ प्रतिशत यहाँ से कितना निकालें, लाभ मतलब कि 20% का लाभ गेन 1 हुआ इंटू 100/80 25% का लाभ हुआ। यहाँ से 12 वस्तुओं पर बट्टा 12 आर्टिकल बल डिस्काउंट ऑन 12 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट, डिस्काउंट ऑन 12 आर्टिकल, तो डिस्काउंट बट्टा प्रॉफिट कितना हुआ, डिस्काउंट प्रॉफिट 1 का हुआ इंटू 12 छेदने 12 यानी 0.5 का डिस्काउंट दिया, 0.5 का डिस्काउंट दिया, तो बोल रहा है कि 0.5 का डिस्काउंट दिया, 0.5 का डिस्काउंट दिया, CP कितना था तो MP कितना हो जाएगा 5.55, क्योंकि MP पर डिस्काउंट देते हैं तो SP आता है तो 5.55, तो डिस्काउंट प्रतिशत कितना आ जाएगा, डिस्काउंट इनटू 100/MP 11 11 99 9.9 है, तो दोनों का अंतर निकाल लिए। आगे इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑन अ पर्टिकल हैज बीन इतना टाइम्स इट ओरिजिनल SP एंड देन लॉस परसेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट, फाइंड द लॉस ऑफ, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना गुना कर दिया जाए, देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 6 2 8/3 यानी पहले 3 था तो अब कितना कर जाए, 3 6 2 8/3 पहले 3 था, अब SP2 कितना कर जाए 8 कर दिया जाए, तो होने वाले हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तन हो जाता है, होने वाला हानि तो समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तन हो जाता है, तो वस्तु पर होने वाली हानि ज्ञात करें। तो जब ऐसे किए ना तो होने वाला हानि इफ द सेलिंग प्राइस ऑन व्हाट कल हैज बीन इतना टाइम्स द ओरिजिनल SP देन लॉस विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट, तो फाइंड द लॉस परसेंट इफ इट आर्टिकल इज सोल्ड एट ओरिजिनल SP। तो इस तरह के प्रश्न में बनाने के लिए दोनों का जो CP होगा दोनों का एवरेज होगा 8 3 11 यानी CP का जितना हो जाएगा 11/2 यानी 5.5, तो SP1 इतना है तो अंतर कितना 2.5 का। इस तरह के केस में दोनों का एवरेज होता है CP ने, तो अब देख लीजिए पहले 3 रुपये का था तो लॉस हो रहा था -2.5 रुपये का, आज जब इतना गुना कर दिए तो देखिए 2.5 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जितना लॉस हो रहा उतना प्रॉफिट हो रहा है, यानी इसका एवरेज लिया जाता है इस क्वेश्चन में। तो लॉस कितना होगा यहाँ पर, CP 2.5 हो गया, लॉस कितना होगा 2.5 लॉस इंटू 100 अब बटा CP 5.5, तो लॉस परसेंट निकल गया। पाँच से पा पच्चीस पच्चीस पाँच से 11 ग्यारह 45 यहाँ निकल जाएगा। आगे SP बिकम 5 times द प्रॉफिट इंक्रीज बाई 700 टाइम, फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट,
तो परसेंट जब एसपी को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी एसपी को क्या करें, एसपी बिकम 5 टाइम्स। पहले एसपी 1 था तो अब एसपी न्यू एसपी कितना हो जाएगा, एसपी 2, 5 टाइम्स, एंड द प्रॉफिट इज इंक्रीज बाई इतना। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज इंक्रीज बाई 700%। प्रॉफिट पहले कितना आ रहा था, तो प्रॉफिट एसपी को जब बढ़ाएं 5 टाइम, 5 एसपी हो गया, यानी बढ़ा कितना, 4 एक्सपी, तो प्रॉफिट इज इंक्रीज बाई 700 टाइम। सात प्लस 7p, प्रॉफिट इज इंक्रीज बाई 7 8p हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 4 एसपी बराबर 7p के बराबर, ये दोनों 7p के बराबर है, तो SP बट्टा CP इतना हो जाएगा, SP बट्टा प्रॉफिट इतना हो जाएगा। तो यहाँ CP निकालेंगे तो इनिशियल प्रॉफिट कितना हो गया, इनिशियल प्रॉफिट 4 रुपये था, क्रैमल 3 रुपये था, तो यहाँ से निकाल लेंगे इनिशियल प्रॉफिट। SP को जब 5 टाइम्स किए तब अगला, इफ SP बिकम हाफ द लॉस बिकम 3 टाइम्स, फाइंड द लॉस। इफ SP बिकम हाफ, SP को हाफ किए तो लॉस बिकम 3 टाइम्स। पहले लॉस x था, तब 3x हो गया, तो लॉस बिकम 3 टाइम्स, तो लॉस कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो लॉस बिकम 3 टाइम्स, तो लॉस 3 टाइम्स हो गया। पहले एल था तो अब 3L आया, तो कितना अंतर आया, 2L का अंतर आया। तो यहाँ से SP बटा L का अंतर, दोनों 4 1 बटा, यानी SP 4 रुपये था तो लॉस 1 रुपया, तो प्रॉफिट थी SP CP कितना हुआ, 5 रुपया, यानी 20% का लॉस होया। दोनों का अंतर ले रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या SP जब आधा किए तो लॉस कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो एल था तो 3L आएगा, तो दोनों का अंतर कितना है, 2 टाइम 2 का, यानी 2L 2L। इसी तरह यहाँ भी किए हैं कि जब 700% बढ़ गया, पहले क्या SP को SP कितना था, पहले SP था, फिर 5 टाइम्स हो गया, तो कितना बढ़ा, 4 गुना, 4 SP बढ़ा, और 700% बढ़ जाता है, यानी प्रॉफिट पहले P था तो P+P × 700/100, यानी 8P हो गया, तो पढ़ा कितना, 7P, दोनों को इक्वेट किए हैं। आगे व्हेन SP इज डिक्रीज बाई 62.5%, 62.5% कहने का मतलब 5/8, और 41.23% कहने का मतलब है कि 5/12, यानी बेन जब विक्रय मूल को 62.5% से घटाया जाए, तो 62.5% कहने का मतलब 5/8, जब विक्रय मूल्य को इतना % घटाता, तब हानि पिछले की तुलना में इतना % बढ़ जाते हैं, हानि। इतना 41.2/3% बढ़ जाती है, 41.23% करने का मतलब है कि 5/12, 41.2 × 5/12, तो जब विक्रय मूल्य 5/8% क्या होती है, घटाया जाता है, तो हानि पिछले की तुलना में इतना % लॉस हो जाता है, तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, हानि यानी, तो SPL बटा इतना हो जाएगा कितना, 5 5 काटेगा 2/3, तो CP निकल गया, इनिशियल लॉस निकाल लेंगे। आगे SP ऑफ पेन इज इतना, इफ द प्रॉफिट % मेड ऑन आर्टिकल इज सेम ऑस SP, प्रॉफिट % मेड ऑन आर्टिकल इज सेम SP, देन CP ऑफ आर्टिकल इज, तो CP ऑफ आर्टिकल कितना होगा, ये पूछ रहा है, SP ऑफ आर्टिकल इस इतना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्रॉफिट % मेड ऑन आर्टिकल इज सेम ऑन CP, प्रॉफिट % है ना आर्टिकल पर, सेम है CP के बराबर है, प्रॉफिट % पर, मतलब एक कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपया है, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान है, क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक, तो क्रय मूल्य बताइए, तो देखिए दोनों का भी इफेक्टिव ऑप्शन से चलते हैं, तो देखिए 75 इसका, 75 प्लस
प्लस 75 इंटू 75 बटा 100 किए हैं, तो इसको ऑप्शन नहीं चेक हो रहा, पहला से नहीं मिला, दूसरा से मिला, तीसरा से मिल रहा, यानी ए प्लस ए इंटू बी बटा 100 आ गया। पहले उसमें क्या लगाते थे, नेट इफेक्टिव रेट में क्या करते थे, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, लेकिन यहाँ नहीं, ए प्लस ए इंटू बी बटा 100 ए प्लस आ गया। एस पी ऑफ फिनिश 24 रुपया, इफ वैल्यू ऑफ इट्स सी पी एंड परसेंट लॉस इज इक्वल, एस पी ऑफ फिनिश इफ वैल्यू ऑफ सी पी सी पी एंड एस पी वैल्यू जो है दोनों का समान है लॉस परसेंट, और फाइंड सी पी बोल रहा है, एस पी कितना 24 है, तो लॉस परसेंट कितना हो, लॉस बराबर एस पी लॉस बराबर सी पी माइनस एस पी इंटू 100 बटा सी पी। तो यहाँ से चलेंगे तो ऑप्शन से यहाँ जा सकते हैं, यदि एक्स बराबर क्या करें, तो क्या बोल रहा है, तो क्रैमूल क्या है, क्रैमूल बताना आपको क्या होगा, तो क्रैमूल मान लीजिए 60 लेते हैं, ये वाला ऑप्शन यूज किया है ऊपर में, यही हमको बताना चाह रहे हैं आपको, यही वाला यहाँ किए हैं, यदि क्रैमूल 60 लेते हैं, यही ना क्या, देखिए एक्स इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर बटा 100 बराबर एक्स माइनस 24, अब इधर 24 इसको इधर रहने दीजिए, तो इधर कितना जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100, तो यहाँ एक्स का वैल्यू रखिए 60, यदि एक्स बराबर 60% लगते हैं, तो 60 माइनस 24 बटा 60 इंटू 100, 60 में 24 गया 48 इंटू 6 बटा 10, तो 12 6 ये 36 हो जाएगा, तो 6 6 36 दोनों का 10% यानी 60% बराबर 60%, तो ये वाला ऑप्शन 60 वाला आ जाएगा, तो 60 वाला ये वाला है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। आगे इफ द एस पी ऑफ आर्टिकल इज इतना है, वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज एस पी कितना 272 है, वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज सी पी को एक्स मानते हैं, तो वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट कितना है 3 times ऑफ सी पी, तो सी पी बोल रहा है फिर उसी तरह उसको फिर मानेंगे, तो सी पी क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी इंटू सी पी बटा 100, फिर ऑप्शन उठाएंगे, एक्स बराबर कोई भी वैल्यू रखते हैं 60 रखते हैं, तो 30 इंटू 60 छोटी 18 72 माइनस 60 बटा 60 इंटू गुना 100 ये वाला लगा रहे हैं, बताते हैं आपको, जैसे एस पी दिया 272 प्रॉफिट, हम क्वेश्चन के अनुसार 3x हो जाएगा, यदि सी पी को x मानते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट किया हुआ एस पी माइनस सी पी 272 माइनस प्रॉफिट इंटू 100 बटा सी पी यदि 60 जितना एक्स हो जाएगा, तो इसको इसी आधार पर मानिएगा, तो यहाँ यदि 80 लेते हैं, तो 38 24 240 इधर कितना है 280 बटा 80 गुना 100 240, और यहाँ कितना आएगा 272 ना, तो 272 में से 80 घटाएंगे, तो 2 8 7 15 152 हो गया ना, 9 8 17 192 बटा 8 इंटू 24 8 92, तो 240% मिलेंगे, 80% ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रॉफिट इज 3%, तो सी पी तो 180% हो गया, तो एस पी कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना इंटू एस पी निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे क्रैमूल प्लस क्रैमूल इंटू प्रॉफिट कितना 180 बटा 100,
18 6 272 आया, नहीं आया, यहाँ से नहीं आया। फिर इसको देखते हैं, प्रॉफिट परसेंट 3 गुना होना चाहिए ना, 80 का 3 गुना 240 पर, नहीं तो ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हमको बिक्रय मूल आना चाहिए उतना था, इस पर निकालने के क्या करते हैं, क्रय मूल प्लस क्रय मूल इंटू प्रॉफिट बटा 100, तो 272 यहाँ ये सही है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए।